राजस्थान में 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर बीजेपी, कांग्रेस, भारत आदिवासी पार्टी, आरएलपी और सब जो अन्य दल हैं वह भी जनता से मंथन कर रहे हैं। अभी हम 84 सीट की बात करें तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा चर्चा बनी हुई है, क्योंकि बीजेपी कांग्रेस के साथ जो दूसरे दल है वह भी एक्टिव है। दूसरी ऐसी सीट है जहाँ पर सिर्फ बीजेपी, कांग्रेस और ऐसे छोटे दल है, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा की जो 84 सीट है, जो बागड़ का इलाका है, उसकी चर्चा राजस्थान में बनी हुई है, क्योंकि उस सीट पर एक भारत आदिवासी पार्टी के उस क्षेत्र में सांसद भी है और उनके दो से तीन विधायक वर्तमान में हैं। उसको लेकर कहता से जो दूसरी पार्टियां हैं मंथन करिए, उस पार्टी को किस तरह से मात दी जाए, इसके लिए जो है मंथन किया जा रहा है। अगर हम 84 की बात करें तो वहाँ पर जो भारत आदिवासी पार्टी है उसका गढ़ को तोड़ने के लिए पहले बीजेपी कोशिश कर रही थी और अब कांग्रेस भी जुट गई है। जिस तरह से बीजेपी की बैठक हुई, बीजेपी की बैठक में जो मंथन हुआ और अब कांग्रेस का भी वहाँ पर मंथन हुआ है। जो कांग्रेस के जो प्रभारी बनाए गए हैं, पूर्व विधायक हैं प्रतापगढ़ के रामलाल मीणा, उन्होंने वहाँ पर मंथन किया, कार्यकर्ताओं से बात की, जो मंडल है उन मंडल से बात की, तो सामने आया कि जिस तरह से जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें जो स्थितियाँ देखने को मिली, जो गुटबाजी देखने को मिली, उस गुटबाजी से निपटने के लिए पूरी कोशिश पार्टियाँ कर रही हैं। कांग्रेस उसमें गहनता से मंथन करने में जुट गई है। जो रामलाल मीणा है उन्होंने बैठक ली और बैठक में जो नेता हैं उनसे साफ तौर पर कहा गया कि आप जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, जो नेता चुनाव को लेकर दमखम के साथ जुटे हुए हैं, वह पूरी दमखम के साथ काम करें, जिससे कि गठबंधन को मजबूर ना होना पड़े। क्योंकि जब लोकसभा चुनाव में गठबंधन हुआ था तो राजकुमार जो जीते थे, लेकिन बाद में उनकी जो स्थितियाँ देखने को मिली, उनके जो बयान थे, उसको लेकर भी मंथन किया गया। तो रामलाल मीणा है उन्होंने कार्यकर्ताओं से कहा कि जो पहले की स्थितियाँ थी, जो गठबंधन हुआ था, लेकिन अंत में जो राजकुमार होते हैं उन्होंने कहा था कि हमने स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ा और ऐसा इस बार ना हो, इसके लिए मेहनत करनी है, मंथन करना है और आम लोगों के पास जाना है। उसको लेकर दमखम शुरू हो गया है। यहाँ तक कि जो बीएपी पर उन्होंने गुमराह करने के आरोप लगाए, उन्होंने कहा कि जो राजकुमार होते हैं वह लोगों को गुमराह कर रहे हैं, उनके जो नेता हैं वह गुमराह कर रहे हैं, तो सरकार की जो योजना है उनको बंद करवाने की बात कर रहे हैं, तो कहेंगे उसको लेकर मंथन हुआ। एक ओर से गठबंधन को लेकर चर्चा राजस्थान में रही है कि कांग्रेस और भारत आदिवासी पार्टी की जैसी सीटें जिन पर गठबंधन होगा, लेकिन जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं, जो वहाँ के लोकल नेता हैं, वह नहीं चाहते हैं कि किसी तरह का गठबंधन हो। इस कारण जो कल भी बैठक में देखने को मिला था, उन्होंने कहा कि जो पार्टी गुमराह करने का काम कर रही है, जो इस तरह के जो सरकार की योजना है उनको बंद कराने का काम कर रही है, तो साफ तौर पर कह सकते हैं कि जिस तरह से गठबंधन के जो संकेत है उस पर भी विराम लगता दिखाई देता है। एक तरफ पहले जो गोविंद सिंह डोटासरा ने भी इस बात पर कहा था कि जो पार्टी है 7 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, गठबंधन को लेकर भी उन्होंने कहा था कि ऐसा अभी तक हुआ नहीं। कार्यकर्ताओं से कहा था कि अगर जो कार्यकर्ता चुनाव में जोरों शोरों से लगते हैं, साथ में एक्टिव रहकर चुनाव लड़ते हैं, तो इस तरह की गठबंधन जैसी स्थितियाँ ना बनेगी। और अब जो स्थितियाँ बनी है उस पर भी इनके साफ है कि जो नेता है उन्होंने भी साफ तौर पर कह दिया है कि इशारों में कह दिया है कि गठबंधन हम नहीं करेंगे, हम स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ेंगे और दमखम के साथ उतरेंगे। इसलिए कार्यकर्ताओं को बताया गया, आपको बता दें कि चुनाव जो 84 सीट है बीजेपी और कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर रही है, क्योंकि वहाँ पर जो राजकुमार रोज लगातार 2 बार से विधायक रहे, 2018 का चुनाव हो, 2023 का चुनाव हो, पहले बीजेपी और फिर बाप उसे चुनाव लड़ना, और 3 विधायक जो वर्तमान में उस क्षेत्र में हैं, तो कहीं की मुश्किलें खड़ी हो रही है। और अब जनता से मंथन कांग्रेस भी कर रही है। 9 के लिए राजेश टांग।